बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म पितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीनाथ भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत बुद्धि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीनाथ भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री ल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत ग्रंथ है। इसलिए यदि ये प्रभुपाद कौन है, यदि ये राधा रानी के नयन मणि मंदिर। जब श्री भगवान कृष्ण ने देखा, राधा रानी ने देखा, समस्त जीव इस जीव कौन है, बोले जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान का नित्य दास है, लेकिन अभी भगवान का दासत्व को भूल करके अभी माया की दासत्व कर रहे हैं। संसार में दुख और कष्ट को हम भोग कर रहे हैं। अभी राधा रानी इसको देख करके बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है, इसलिए बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरी है राधा रानी। ये करुणा की विग्रह श्रीमती राधा रानी अभी हमारे दुख को देख करके, तब उन्होंने प्रभुपाद को जगत में भेजे, अपना नयन मणि मंजरी को उन्होंने जगत में भेजे। बोले जाओ, ये जीव सब दुख कष्ट भोग कर रहे हैं और इनको मेरे पास में मेरे सेवा के लिए ले आओ। इसलिए उनका आदेश को प्राप्त होकर के जगत में प्रभुपाद आए और उन्होंने शुद्ध भक्ति के प्रचार किया। इसलिए अभी जो थोड़ी बहुत हम भगवान की भक्ति के लिए चेष्टा कर रहे हैं, ये किसका कृपा है, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ही आशीर्वाद। अगर वो जगत में नहीं आते, इसलिए प्रभुपाद के भक्त लोग कहते हैं अगर जगत में प्रभुपाद नहीं आता है ना, कि जो दुनिया अभी नहीं रहती, ये दुनिया भी खत्म हो जाती। आपको पता हर देश में एटम बम बनाकर अलग रखे हुए, इस बार अगर विश्व युद्ध छिड़ जाए ना, चलो 25% अगर ये एटम बम को व्यवहार करेंगे, ये पृथ्वी ध्वंस हो जाएगी, ये पृथ्वी नहीं रहेगी। लेकिन अभी ये एटम बम गिर नहीं रहा है। बोले क्यों नहीं गिर रहा है, बुद्धि देने वाला तो भगवान ही ना। बोले ददामि बुद्धि जगत तम है, इसलिए भगवान बुद्धि देने वाले भगवान हैं। इसलिए भगवान देखते हैं अगर ये एटम बम गिर गया तो मेरे कुछ भक्तों लोग तो भजन कर रहे हैं, मेरे तो कुछ भक्त भी तो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। जैसे आप लोग गले में कंठी तिलक माला लगा कर तो भजन कर रहे हैं ना, एटम बम गिर गया तो मेरे भक्त भी मर जाएंगे सबके सब। लेकिन भगवान गीता में क्या प्रतिज्ञा करते हैं, कहते कौनते हैं प्रतिजानी न मैं भक्ता परंत, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरा भक्त का विनाश नहीं। इसलिए आप लोग भक्ति कर रहे हो, इसलिए ये एटम बम गिर नहीं रहा है। इसलिए प्रभुपाद का गण कहते हैं अगर ये जगत में प्रभुपाद नहीं आते हैं ना, अभी ये दुनिया नहीं रहती, दुनिया ध्वंस हो जाती। इसलिए तुम जगत में देखोगे अगर कहीं थोड़ी बहुत भक्ति हो रही ना, ये गौड़ीय संप्रदाय का लोग हैं, ये शुद्ध रूप में ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नाम कीर्तन भक्ति कर रहे हैं। इसलिए अभी जगत में शुद्ध रूप में थोड़ी बहुत भक्ति जगत में दिख रहा है, हैं दिख रहा है। अगर ये नहीं होता तो भगवान की भक्ति नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद इसी जगत में आकर के शुद्ध भक्ति धारा को जगत में प्रचार प्रसार किया और इसको सुन करके क्या होता है, हम भी थोड़ी बहुत आकर के कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत भगवान की भजन होता है। इसलिए ये जो ग्रंथ है, कहते भक्त लोगों ने अलग अलग समय पर प्रभुपाद को उन्होंने अलग अलग प्रश्न किया है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग है कहते भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ करोता। भक्ति मार्ग को क्या बताया, बोले ये करोड़ों कांटा जुटते ही भक्ति मार्ग है। कहते खुरस धारा निशित दुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो बदंती। इसलिए कवि लोग कहते हैं भक्त
भक्ति मार्ग में चलना मतलब जैसे ब्लेड होता है, कभी दाढ़ी सिर कहते हैं ना, थोड़ी अगर इधर उधर हो जाए क्या कट जाए हैं। ये भक्ति मार्ग भी ऐसे भक्ति मार्ग है, थोड़ी अगर इधर उधर हो जाएगा तो फिर भक्ति से हम चुप्त हो जाएंगे। इसलिए कहते सत्य को सत्य न बिघ्ना, अगर कोई सच बोले उसमें सौ बाधा है। सत्य सत्य न बिघ्ना सहस्र न तथा तप, अगर कोई तपस्या करे तो उसमें हजार बाधा है। अगर कोई भगवान की भक्ति करे, गोविंद देव का भक्ति करे, बोले विघ्न अजुते न गोविंद, अगर ये गोविंद की कोई भक्ति करे तो हर पद 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 में ही विपत्ति विपत्ति है, हर पद पद में ये विपत्ति है भक्ति जगत में है। इसलिए भक्ति जगत में कहते बंधव मोही सावधान मते, इसलिए कहते ना साधु सावधान, साधु सावधान है। इसलिए साधु को क्यों सावधान करें, दूसरों को क्यों सावधान नहीं करें, कहते साधु सावधान फिर कई कर अवधान, फिर दो बार बोलते हैं साधु का क्यों। कहते यही लोग ही सचमुच से ये शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, बोले भैया सावधान से भगवान की भक्ति सावधान से करो, असावधान से नहीं, सावधान हो करके भगवान की भक्ति करो, फिर तो हम भगवान के पास में हम जा सकते हैं है? इसलिए भक्ति जगत में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। देखो कोई शराब पिए, अंडा खाए, मांस खाए, देखे ना कोई कुछ बोले नहीं कुछ, लेकिन थोड़ा गले में कंठी तिलक माला पहने सारा दुनिया बोलने लग जाएंगे, बोले कोई उम्र है भजन करने का। लेकिन अगर शराब पीता है ना इस उम्र में वेरी गुड, अरे बेटा शराब पीना सीख गया, सिगरेट बोल रहा है, लेकिन तिलक गला में कंठी पहने बोले इस कोई उम्र है भजन करने का, अब बता रहे थे ना कोई उम्र है भक्ति करने की हाँ। इसलिए भक्ति जगत में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, इसलिए तब बाधाएं तब प्रभुपाद के पास में, तब भक्त लोगों ने सब अलग अलग प्रश्न किया, अलग अलग प्रश्न किया तो फिर प्रभुपाद ने उनकी अलग अलग का आंसर दिया। अभी प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया है अगर ये ग्रंथ को कोई सुनेगा ना तो जरूर एक दिन बोलो वृंदावन, जरूर निश्चित रूप में, क्यों ये कहाँ से आए, ये बोलो वृंदावन से ही प्रभुपाद राधा रानी को द्वारा उपदेश प्राप्त करके आए। वो क्या चाहते हैं, जीवों को हम भगवान के धाम में जीव को ले जाए, कैसे ले जाएंगे, अगर वो जो कुछ बोले अगर उसको हम जीवन में आचरण में ले आए बस सीधा मेरे प्रभु के पास में चल जाए। इसलिए आज हम दो तीन क्वेश्चन और आंसर सुनेंगे, ठीक है। मैंने कहा आप सबसे पहले जो निकलेगा उसको ही मैं बोलूँगा, इसमें तो बहुत क्वेश्चन है आंसर है, मैंने खोला मैंने पहले जो निकलेगा उसको ही सुनेंगे। देखो इसने पहला प्रश्न किया है, बोले भक्त सेवा और भगवत सेवा की सौ हस्ते करणिया, कहते वैष्णव का सेवा और भगवान की सेवा किया अपना हाथों से करनी चाहिए ना दूसरों को पैसा देकर करवानी चाहिए, ये भक्तों का प्रश्न है। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले पर द्वारा अर्चन रंधन भोजनीय ना है, कि दूसरे व्यक्ति को द्वारा पैसा दे करके क्या कहते अर्चन एवं रंधन कहते ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। तबे विपा के पड़िले आतुर अवस्था कौन दिन हुआ स्वीकार करा जाए, बोले कब ये काम को कर सकते हैं, अगर कोई विपत्ति आ गया कोई है नहीं सेवा पूजा करने के लिए तभी ये काम को हम पैसा दे करके किसको द्वारा रसोई व भगवान की सेवा पूजा करके हम उसको पैसा दे करके करा सकते हैं। लेकिन जब तो विपत्ति नहीं पड़े सुस्त अवस्था में कहते हैं दूसरों को द्वारा भगवत सेवा व भगवान की अर्चन पूजा नहीं करवानी चाहिए, ये मना करते हैं प्रभुपाद। बोले क्यों मना करते हैं, फिर उसका कारण क्या कहते हैं, बोले हमारा आलस्य बसत हो यदि कृष्ण के ना खावाई व निजरा खाइया थाके जीवन रे उद्देश्य है तबे भगवान रे सेवा प्रति आदर कमिया जाई गई। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्या होता है कभी कभी आलस्य बसत है, आलस्य बसत कभी कभी हम क्या करते हैं ठाकुर जी को सेवा पूजा में आलस्य कर देते हैं, आलस्यता। देखो
अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज वो कौन थे? उसी समय संपूर्ण विश्व का राजा थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, ससा घरा पृथ्वी का राजत्व कर रहे थे ये अम्बरीश महाराज हैं। जब अम्बरीश महाराज कर रहे थे, उनको क्या कोई नौकर नहीं मिल रहा था पैसा देकर के सेवा कराने के लिए? फिर वो स्वयं अपना हाथों से क्यों सेवा करते थे? कहते सबई मन कृष्ण पदार विंदयो, मन को उन्होंने कहाँ लगाए? ठाकुर जी का चरण सेवा, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, वचन को उन्होंने कहाँ पर लगाए? भगवान की गुण कथा, पादो वो हरि क्षेत्र पदान सर्पण, चरण को द्वारा क्या करते थे? ठाकुर जी की मंदिर परिक्रमा करते थे, हाथ को द्वारा अपना स्वयं ठाकुर जी की मंदिर मार्जन, ठाकुर जी के लिए फूलों की माला, जैसे हमारे सुंदर गोपाल प्रभु को अभी खुद अपना हाथों में ठाकुर जी के लिए माला बनाते थे। देखो माला बना रहे ना, देखो जब ये माला बना रहे हैं, देखो इसमें क्या विशेषत्व है। मैं जब मंदिर में पूरी मंदिर में था, मेरे एक गुरु भाई थे सत्यानंद गुरु, ये जानते हैं, ये सत्यानंद गुरु हम दोनों ना कंपटीशन करते थे, कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पर विशेष करके राधा कृष्ण महाप्रभु तीनों थे। तब हम क्या करते थे, मेरे को बहुत सेवा करना पड़ता था, बहुत सेवा, बर्तन मलना, धोना, बाजार मार्केटिंग जाना, सब्जी ले आना, मंदिर मार्जन करना, बहुत सेवा, ठाकुर जी के लिए सब्जी आपनिया करना, तुम सोच नहीं सकते मैं जितना सेवा करता था, इतने सेवा करता था, दिन में चार माला करने के लिए भी मेरे को दिक्कत होती है। इसलिए कभी मैं बैठ कर कोई श्लोक याद नहीं थी, जैसे माला बताता था पास में ग्रंथ रख करके श्लोक याद करता था उपदेशकों। हम जैसे मैं जैसे राधा कृष्ण महाप्रभु अभी फूल आ जाता है, हम अपने हाथों से फूल माला बना देते और आस पास लोग भी फूल दे जाते थे, हैं बगीचा से मैं कहीं कहीं फूल भी तोड़ कर ले आता था। तीन ठाकुर है, हम दोनों में कंपटीशन लगता था, बोले क्या है, बोले तीनों ठाकुर का कौन दो माला बना सकते हैं, दो अगर बनाएंगे फिर क्या होगा तीनों के लिए। इसलिए कोई सोचते थे पहले मैं आकर अगर बैठ जाऊँ ना, अगर मैं राधा रानी के लिए माला बना दो फिर कृष्ण के लिए दो रह जाएंगे, कृष्ण नहीं तो महाप्रभु उनको और एक में माला बना सकता हूँ, लेकिन अगर एक साथ में बनाएंगे फिर क्या होगा, जो बाद में आएगा उनको केवल एक माला करने की सुजग, केवल एक माला करने की मौका मिलेगी, लेकिन जो पहले आ जाएगा वो राधा नहीं तो कृष्ण नहीं तो राधा रानी नहीं तो महाप्रभु की माला बनाते थे। इसलिए हम दोनों में कंपटीशन होता था, जब हम माला बनाते थे भावना किया है इसके लिए माला बना रहे, राधा रानी के लिए जैसे जैसे वो देखो प्रभु जी माला बना रहे हैं, उनको सोच किया है माला किसके लिए बना रहे हैं, राधा रानी के लिए, राधा रानी वैदिक राधा रानी। आप देखना जब ये माला बना कर सांप को ठाकुर जी गला में धारण करके प्रभु आकर देखेंगे कि नहीं मेरे माला ठाकुर को कैसे लग रहा है, मेरे माला ठाकुर जी को कैसे लग रहा है, ठाकुर जी कितने सुंदर, उनका चिंता कहाँ गई बताओ, संपूर्ण ठाकुर। इसलिए इसको द्वारा किया होगा, ये भक्ति उन्मुख जो सुकृति है ना, ये सुकृति जगेगा, और ये सुकृति जब पुष्ट होगा फिर जाकर के भगवत भजन में मन लगेगा। इसलिए कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, जड़ इंद्रियों से कृष्ण नाम उदय नहीं होता है, बोले सेवन मुख ही जीवा दो। जब हमारी वृत्ति सेवन मुखी वृत्ति बनेगी, सेवा करने की हमारी वृत्ति बनेगी, बोले स्वयं व्यवस्थ, स्वयं प्रभु का नाम स्वयं होगा स्वयं। इसलिए ठाकुर जी को जो सेवा है जब हम करते हैं, हैं? इसलिए अम्बरीश महाराज कितने बड़े राजा थे लेकिन स्वयं सेवा करते थे। इसलिए दूसरी पुराण में कथा आती है, क्या आती है, राजा लोग तो पहले बहुत शादी करते थे, हैं बहुत शादी करते थे, हैं जो जितना शादी करता था उसका उतना नाम होता था, उतना रानी को फल रहा है। आप लोगों ने शादी किया है, आप देखना एक स्त्री को पालन करना कितना कठिन, आपको पता चलता है जो शादी की है, हैं एक स्त्री को भरण पोषण करना कितना कठिन। इसलिए पहले क्या होता था, जितने रानी होती थी राजा को उतना नाम होता था, इतना रानी को फल रहा है, इतने रानी राजा की उनका नाम उतना। हमारे गोविंद देव ने शादी कितना किया, ब्रज में तो 70 करोड़ गोपियों से राश रचा, द्वारका में गए तो 16,108 पुत्र रानी को साथ में शादी किया, बहुत भगवान कृष्ण है, हैं इतने इतने उन्होंने शादी किया है। इसलिए अभी क्या हुआ, राजा ने एक नई रानी को लाए, लेकिन राजा को पास में समय नहीं होता था
दिन में एक बार जाकर के रानी से थोड़ी बात बोले, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, क्या दिक्कत, सब ठीक ठाक? उस राजा को समय नहीं बोला था। अभी छोटी रानी सोचती है राजा तो मेरे को शादी करके ले आए, लेकिन ये तो दिन में एक बार भी आकर के मेरे को पूछते नहीं, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, दिन में एक बार भी नहीं पूछते। एक दिन रानी देखने के लिए आई, क्या कर रहे हैं, आकर के देखा राजा एकदम सवेरे सवेरे उठ जाते हैं, वैष्णव राजा है, तिलक लगाते हैं, अपना गुरु मंत्र जप करते हैं, हरिनाम करते हैं, और अपना हाथों से ठाकुर का बर्तन मलते हैं, अपना हाथों से मंदिर की साफ करते हैं, अपना हाथों से फूल ले आते हैं, अपना हाथों से फूल की माला बनाते हैं, ठाकुर जी को अपना हाथों से श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को सब कुछ अपना हाथों से राजा करते हैं। छोटी रानी ने देखा, ओ इसलिए राजा के पास में समय नहीं हो रहा है हमारे साथ में दिन भर बात करने के लिए। एक दिन पहले वो देख लिया, और दूसरे दिन सोच रही है राजा का हाथ में थोड़ा अगर हाथ बटवा लेंगे फिर राजा को फुर्सत होगा, फिर राजा आकर के हमसे थोड़ी सी मिलेंगे, हैं थोड़ी सी हमसे बात करके मिलेंगे। पहले तो देख लिया था रानी, राजा उठने से पहले रानी उठ गई, उठ करके मंदिर को साफ सुथरा कर दी, बर्तन मल दी, फूल ले आई, चंदन घीस दी, तुलसी हैं सब थाला को अच्छे तरह सजा दी। सजा करके जब राजा स्नान करके तिलक आनी करके आए, देखा सारे सारे सेवा तो रेडी है, राजा को कुछ करने का जरूरत नहीं, अगर हम होते तो क्या बोलते, अच्छा हो गया है, आज कुछ करना नहीं पड़ेगा, अच्छा हो गया। लेकिन राजा बिगड़ गए, राजा बिगड़ गए। बोले क्यों बिगड़ गए? बोले मेरे सेवा किसने छीन लिया, मेरा सेवा किसने छीन लिया? क्योंकि जो सेवा है ना, कहते सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं सेवा में जो सुख और जो दुख है वो क्या करता है, जीव की अविद्या को नष्ट करता है। जैसे भगवान माला बना रहे, ठाकुर की रोसी बनाते, ठाकुर के मंदिर में अर्चना करते, उनके बर्तन मलते हैं। जब ठाकुर को सेवा करो ना, किसी जगह तुम्हें देखना, अगर किसी व्यक्ति को सेवा कर दिया कोई बार खुश हो गया ना, उसका खुशी से जो सेवा करने वाले व्यक्ति खुश हो जाता है, कम से कम हमसे उसने खुश हो गया ना। जो साधारण व्यक्ति को प्रसन्नता में प्रसन्नता बताएं, अगर कोई व्यक्ति ठाकुर को सेवा करता है, ठाकुर जी अगर खुश हो जाए, आप बताओ कितना खुश हमें नहीं मिलेगा। अगर ठाकुर जी खुश हो जाए फिर हमें कितना आनंद नहीं मिलेगा, हमसे ठाकुर जी खुश हो जाए उसको कितने आनंद मिलेगा, है हमारे ठाकुर जी प्रसन्न है। इसलिए कहते सेवा सुख दुख, बोले सेवा में जो सुख है और जो दुख है, कहते ये परम संपद, यही जीव के लिए परम संपद। बोले भैया भैया सुख में तो संपद, दुख में क्या संपद है, दुख में कष्ट है ना, दुख में कष्ट है, कहते ये क्या फिर संपद है, हैं? बोले जैसे देखो घर में कोई मालिक है, उसका कोई नौकर है, अगर मालिक के लिए अगर वो दुख सहन करता है, मालिक के लिए अगर उसके लिए बहुत कष्ट परिश्रम करके उसको सुख देता है, कष्ट करता है, तो जो मालिक अगर देखेगा तो कितना खुश नहीं होगा, देखो मेरे नौकर कितना दिन भर काम करता है, बेचारा दिन भर कितने काम करता है, दिन भर सेवा करता है, वो प्रसन्न होता है कि नहीं। उसी तरह जब भगवान भी देखेंगे मेरे भक्त दिन भर मेरे लिए सेवा करता है, कष्ट में पड़ करके भी दुख में रह करके भी मेरे सेवा करता है, ठाकुर जब प्रसन्न होंगे क्या होगा, बोले नाशय अविद्या दुख, जीव का जो अविद्या जो दुख है ना ये नष्ट हो जाएगा। क्यों? उन्होंने वो देख रहे हैं ठाकुर जी, ये सब चीज को ठाकुर जी देख रहे हैं, जब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए बोले तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट तत्प्रिणिते प्रिणितम जगत, जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं बस विश्व ब्रह्मांड अपने आप विश्व ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए सेवा में जो सुख और दुख है ना ये परम संपद। इसलिए राजा की सेवा छीन गई, राजा सुखी नहीं हुए, दुखी हो गए, बोले मेरे सेवा किसने छीन लिया, देखा छोटी रानी ने, बोले तुमने क्यों की, बोले इसलिए मैंने कहा दिन भर, देखा आप दिन भर सेवा करते हो, दिन में एक बार भी फुर्सत नहीं होता हम लोगों से मिलने के लिए, हमने सोचा अगर आपको साथ में हाथ बटवा देंगे आपका समय होगा मिलेंगे। बोले देखो मेरा सेवा छीनने का तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अगर तुमको इच्छा है सेवा करने की तुम बोलो, तुम्हारे लिए हम दो ठाकुर की
राधा कृष्ण तुम्हारे लिए स्थापन करते गए, तुम अपना ठाकुर को सेवा करो, मैं अपना ठाकुर को सेवा करूँगा, हैं अपना ठाकुर जी को। तब उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है मेरे लिए भी ठाकुर स्थापन कर दो। तब उन्होंने राधा कृष्ण दो जोड़ी ठाकुर जी उनके लिए भी उन्होंने स्थापन कर दिए। जब उन्होंने स्थापन किए, कहते माताओं के अंदर में एक कला है। बोले क्या कला है, जैसे पुरुष लोग एक प्यांट कुर्ता तो उन्होंने हाफ की प्यांट पहन कर बैठे, ये एक गंजी एक प्यांट पहले हो गया, लेकिन दुकान में जितने श्रृंगार का चीज किसके लिए, सब किसके लिए, सब माताओं के लिए, जितने सारे लिपस्टिक उनका श्रृंगार उनका जितने आप देखोगे सब माताओं के लिए, सारे सारे श्रृंगार। पुरुष लोग क्या करते, कुछ नहीं, कोई श्रृंगार करते हो कुछ नहीं, देखो आधा प्यांट पहन कर कपड़ा पहन कर आधा है इसलिए धोती, लेकिन सब माताओं के लिए इसलिए वो श्रृंगार करती है। श्रृंगार करते उनका अंदर भी ये कला है, राजा भी ठाकुर को श्रृंगार करते हैं लेकिन रानी भी श्रृंगार करती है, लेकिन जो रानी श्रृंगार करती है ना इतने सुंदर ठाकुर को सजाती है, ये फूलों से हारों से इतने सुंदर श्रृंगार करते ठाकुर जी को। एक दिन राजा गए रानी के घर में, छोटी रानी के घर में देखने के लिए, रानी क्या कैसे ठाकुर का श्रृंगार की, उन्होंने देखा ये मेरे से भी ठाकुर का सुंदर था, मेरे से भी ज्यादा श्रृंगार था मेरी रानी ने की। राजा तो खुश हो गए रानी के ऊपर, वाह खूब वाह वाह दिए, पीठ पर हाथ थपथपाए, बोले तुमने कमाल कर दी, मेरे से भी सुंदर श्रृंगार करती हो, बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन ये राजा है ना अभी और किसी रानी को घर में नहीं जाते हैं, लेकिन ये छोटी रानी के घर पर लोग जाते हैं। अभी दूसरे दूसरे रानियों ने देखा राजा तो किसी भी घर में नहीं आते थे, अभी ये छोटी रानी के घर में इतना नंबर क्यों लगा रहे हैं, इतना लाइन क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने एक दासी को भेज दिया, देखो तो राजा छोटी रानी के घर में इतना क्यों जाते हैं। जा करके देखा राजा रानी से मिलने नहीं जाते, उसको घर में जो ठाकुर जी है ये ठाकुर जी की श्रृंगार देखने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी की श्रृंगार को देखने के लिए राजा जाते हैं, हैं? इसलिए जब रानियों की बात पता चला ना, ये जितने रानी सब झुंड के झुंड आ गए, बोले महाराज अब हमारे घर में भी ठाकुर को स्थापन करो, हम भी ठाकुर को सेवा करना चाहते, फिर राजा हमारे घर में आएगा। राजा तो वैष्णव थे, राजा वैष्णव थे, राजा खुश हो गए, बोले मैं तो यही चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मेरी जितने रानियाँ सब के सब ठाकुर को सेवा में लग जाए, क्यों वैष्णव है हैं? सब चाहते हैं, कंपटीशन लग गया, कौन कितना ठाकुर को सुंदर से श्रृंगार कर सकता है, कंपटीशन लग गए। राजा देख प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, वाह अभी मेरे जितने रानी हैं सबके सब वैष्णव ही बन गई, सबके सब भगवान की भक्ति, बोले ये इतने सुंदर तिलक लगाते मैं भी उससे सुंदर तिलक लगाऊं, हैं इतने सुंदर, बहुत अच्छी बात है, हैं अच्छी बात है सबके सब। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान की जो सेवा है ना, कहती है प्रेम से भक्ति से भगवान की सेवा, भक्ति से बताओ राधा रानी से बड़े भक्त कोई हो सकते हैं, लेकिन बताओ राधा रानी दिन भर करती है क्या, कृष्ण के लिए नंदगांव में रसोई बनाने के लिए जाती है कि रसोई बनाती है, कृष्ण भोजन करेंगे राधा रानी, कहते राधा रानी का शरीर कितने कोमल, उदाहरण देते हैं चंद्रमा का किरण कितना ठंडा है, लेकिन चंद्रमा का किरण जब राधा रानी के शरीर में पड़ता है राधा रानी को कष्ट होता है, लेकिन जब नंद भवन में राधा रानी बीच में बैठी हुई चारी तरफ में सब, पहले तो क्या स्थान है, पहले सबके सब कैसे चलता था, लकड़ी से कंडा से रसोई बनती है, 15-20 चारी तरफ में क्या है सब चूल्हा जल रहा है, राधा रानी इसको बीच में बैठी हुई, लेकिन कृष्ण सेवा में इतने तन्मयता राधा रानी को, ऐसे लगता है जैसे एयर कंडीशन रूम में बैठी हुई। बोले क्यों, कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए। बोले राधिकार पक्को अर्ण विविध भजन परम आनंद कृष्ण करेन भजन, इसलिए राधा रानी दिन भर कृष्ण सेवा के लिए रसोई बनाती है, उनके लिए कुंजे सजाती है, उनके लिए श्रृंगार करती है, जो कुछ करती है कृष्ण सेवा के लिए राधा रानी करती है। राधा रानी के पास नौकरान नहीं है, बहुत सारे नौकरान सारी सारी सेवा ही सेवा करने वाले, अगर वहाँ पर है ना जैसे कि फूल की माला गुज रहे, अगर गोलोक वृंदावन में अगर किसी सखी को इतने से सेवा लग जाए, वो मिल जाए कृष्ण के लिए राधा रानी के आनंद में कृष्ण के लिए माला बनाने, यदि राधा रानी की
इतने प्रसन्न है, इतने खुश होते हैं, आहो भाई हमको ये सेवा, माला पढ़ने का सेवा, किसको पुष्पा चाहिए की अगर सेवा मिल जाए, जीवन को धन्यवाद किए राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए हम पुष्प चयन करेंगे, अगर किसको केवल चंदन घिसने का सेवा मिल जाए, कहते हमारी अहो भाग्य है चंदन घिसने का सेवा ठाकुर के लिए, अगर किसको केवल तुलसी चयन करने का, केवल तुलसी चयन का मिल जाए, जीवन को धन्यवाद किए हमारे कितना भाग्य, हम जो तुलसी चयन करते कहाँ होता है, ठाकुर जी की सेवा में लगता है, हैं इसलिए वहाँ पर सबके सब भगवान की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में लगे हो, जितने जब हम वहाँ जाएंगे ना, वहाँ पर भी ठाकुर जी की सेवाई करेंगे, ठाकुर जी की सेवाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन प्रचार सेवा माला बनाने सेवा की सेवा है, लेकिन प्रचार सेवा भी ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, इसलिए राधा रानी कहती है भूरिता जनम, जगत में लोग बहुत कुछ दान करते हैं, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है, बोले जो कथामृत दान करता है, जो कथामृत दान करता है, कहती है जगत में सबसे बड़े, ये जगत में सबसे बड़ी जो सेवा है, जो दूसरों को कथा बुला करके भगवान की भजन में अनंत जीवों को है, जिसको अंदर में जो योग्यता है ना, उस योग्यता को सेवा में लगा देनी चाहिए, जिसके अंदर में ये गुण है भगवान की कथा बोल करके अनंत जीवों को भगवान की सेवा में ले आए, इसलिए मेरे जो गुरुदेव थे हमारे मंदिर में एक आश्रम महाराज, तुम लोग कोई देखे नहीं, आश्रम महाराज बहुत अच्छे गाते थे और इतने लिखे पढ़े नहीं थे, वो क्या करते थे दुकान दुकान में कुछ भिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन जो भिक्षा के लिए जाते थे ना, जब बच्चों को देखते थे क्या करते थे, हमारे जो मुनि महाराज, पूरी मैं तो मुनि महाराज जानते हो, उन्होंने मुनि महाराज को लाए, उनको नहीं और जो अच्युतानंद प्रभु थे उनको लाए, और बहुत सारे ब्रह्मचारी को उन्होंने मंदिर में लाए, तब हम मेरे जो गुरुदेव उनको हरी कथा सुना देते, हरी कथा बोल बोल करके मंदिर में ले आए, इसलिए वो इतने लिखे पढ़े नहीं थे लेकिन बड़ी मीठी भाषा थी, इसलिए बच्चों को कथा सुना सुना करके उन्होंने उनको मंदिर में उनको लाए, इससे बात ले लिया, मेरे गुरुदेव उनको संन्यास दिया, लेकिन इतना लिखा पढ़ा नहीं संन्यास दिया, तब मेरे गुरु जी कहते थे इनको मैं क्यों संन्यास दिया, महाराज कथा में कहते थे, कहते थे जैसे वो गुरुदेव कहते जैसे फूल, कोई फूल लाए ठाकुर जी के चरण में चढ़ा दिया, दो चार घंटा बाद में फिर पूछा जाएगा वो सूख जाती है, लेकिन बोले ये महाराज जी ये जीवंत फूलों को लाया है, ये जीवंत फूलों को लाया है, जो उन्होंने जो बच्चों को लाया भजन में लगाया, ये ऐसे फूल है ना, ये फूल कभी मुरझाने वाले नहीं, ये दिन प्रतिदिन ज़्यादा खिलने वाले, ये ज़्यादा से ज़्यादा खिलने वाले ये फूल है, ये ऐसे ऐसे फूल को इन्होंने ला करके एक जीवों को जो ला करके प्रभु का भजन में लगा दे, कहते इससे बड़ा सेवा जगत में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा सेवा जो जीवों को प्रभु की सेवा में लगा दे, इसलिए हमारे गुरुदेव उनको संन्यास प्रदान किया है, इसलिए जिसको अंदर में ये योग्यता है प्रचार करने का योग्यता, जैसे हमारे सुंदर गोपाल अभी लाइव में कथा देते हैं और तुम लोग भी उन्होंने भक्ति में लाए, जैसे वो अकेला अगर सेवा करेंगे तो कितना कर सकते हैं, लेकिन अगर जीवों को अनंत जीवों को ला करके अगर भगवान की सेवा में लगा दे तो कितने अनंत जीवों को भी उन्होंने क्या करेंगे, ठाकुर जी सेवा में अनंत जीवों को उन्होंने लगा देंगे, इसलिए कहते जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है, कहते जो भगवत कथाओं को जो जगत में दान करता है, इसलिए जिसको अंदर में जो योग्यता है ना, वो योग्यता के अनुरूप क्या करनी चाहिए हमें भगवत सेवा में, हमें वो योग्यता को भगवत सेवा में हमें लगा देनी चाहिए है, इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई विशेष स्थिति आ गया जहाँ पर हम सेवा नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करो दूसरों को द्वारा सेवा को करवाओ, लेकिन इतना हो सके क्या करो अपना हाथों से हैं, अपना हाथों से ठाकुर जी की सेवा करने से क्या होगा, ये हाथ का धन्य हो जाएगा, इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं सबो करो वा कुरुत सपर्ज्या हरे लसत कांचन कंकण, कहते यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने की हमने कंकण पहन करके रखी, लेकिन इन्हीं हाथों से हम ठाकुर का सेवा नहीं कर रहे, कहते वो हाथ क्या है, बोले सबो करो, वो तुम्हारे जो दो हाथ है ना, बोले मरा हुआ हाथ है, तो विश्वनाथ चंद्र ठाकुर टीका में कहते हैं अगर इन्हीं हाथों से तुम पूर्वजों को अगर पिंड प्रदान करोगे ना, पूर्वजों पिंड नहीं लेंगे,
बोले क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी जो हाथ है वो ठाकुर को सेवा में लग ही रहा है। जो हाथ ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है, बोले सबो करो, वो दोनों हाथ मरा हुआ हाथ है, वो हाथ नहीं, ये आंख पांख है। अगर इन्हीं आंखों से श्री गोविंद देव को मदन मोहन को दर्शन नहीं करते, ये कान कान नहीं, कहते केवल दो बील मात्र है जिसमें काल रूपी सर्प निवास करते हैं, जिन्हें कानों से हम भगवान की कथा नहीं करते हैं। प्यारे को कहते ध्रुव जन्म भाजो, मतलब जैसे पेड़ है ना, ये पेड़ जीवन क्यों तुमको मिला है, कहते भगवान इनको पेड़ क्यों जन्म दिया, बोले पहले जन्म में तो ठाकुर को इंसान जन्म दिया, सारा दुनिया तो घुमा, लेकिन गोविंद देव का मंदिर परिक्रमा नहीं लगा, तुलसी की परिक्रमा नहीं लगाई, गिरिराज परिक्रमा नहीं लगाई, वृंदावन परिक्रमा नहीं लगाई, लेकिन अपना काम के लिए सारा दुनिया घूमते रहे हैं। बोले अगली जीवन में पेड़ जन्म दे दूंगा, एक जगह पर तू एक जगह पर वही खड़े रह, तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं लगा, क्योंकि ये प्यार को तुमने ठाकुर की मंदिर का परिक्रमा तुलसी परिक्रमा में तुमने ये प्यार को तुमने लगा ही नहीं, प्यार बगैर क्या लाभ है, हैं? इसलिए कहते सारे इंद्रियों का तभी सार्थकता है जब ये सारी इंद्रियां क्या करे, ठाकुर जी की सेवा में लग जाए, हैं? इसलिए क्या करनी चाहिए, जितना दूर हो सके, हैं? जितना दूर हो सके शरीर में समर्थ रहते हुए क्या करो, भगवान की सेवा में लग जाओ, ठाकुर को सेवा में लग जाओ। सेवा में छोटा बड़ा चिंता नहीं करनी चाहिए, नहीं जो सनातनों प्रभु पूजा करते हैं सबसे बड़ा पूजा है, इसलिए हम पूजा करके तो दुनिया देखेंगे, हर साधारण सब्जी अमन करना रोसोई करना ये बर्तन वाला तो नहीं, ठाकुर को सेवा में ना छोटा बड़ा नहीं देखनी चाहिए, बल्कि जितना छोटा सेवा करोगे आप देखना उतना ही अभिमान दूर होगा। नहीं तो महाप्रभु को देखो, महाप्रभु कौन है, भगवान है, महाप्रभु भगवान है, लेकिन राजा से उसने कौन सा सेवा मांग कर लिया, कौन सा सेवा मांग कर लिया, बोले ये सेवा मेरे को, ये सेवा मेरे को, मैं झाड़ू लगाऊंगा, कौन झाड़ू लगा रहे थे, सख्यात महाप्रभु, राधा कृष्ण मिले विग्रह, नित्यानंद प्रभु, सख्यात बलदेव प्रभु, अद्वैत आचार्य सदासी, गदाधर पंडित राधा रानी, है टाइम हो गया, इसलिए राधा रानी ये जा करके क्या कर रहे थे, नारद जी अपना हाथों से मंदिर में झाड़ू लगा रहे, इसलिए कहते जो ये मंदिर साफ करेगा ना, मंदिर जो साफ करेगा, ऊपर से साफ कर रहे मंदिर, लेकिन हृदय तुम्हारी साफ हो जाएगी, ये मंदिर साफ कर रहे हृदय तुम्हारी साफ हो जाएगी, जो जितने मंदिर को सेवा करेगा उसका हृदय उतना ही साफ होगा। इसलिए प्रभु भक्त कहते जो सेवा है अपना भक्ति और भाव से जितने सेवा करोगे तो उतना आनंद मिलेगा, और मन सेवा में लगेगा तो फिर मन इधर उधर तुम्हारी भटकेगा नहीं, मन का काम चिंता करना, अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगा उधर उधर भटकेगा, इसलिए क्या करो जितना हो सके मन को ठाकुर की सेवा में लगा के रखो। बोलेताई गौर ब्रह्मानंद राधा मदन मोहन लाल की जय। हाँ मंदिर खोल दिया, सब दुनिया आ गई ना, हम लोग तो राधा रानी चल देते हैं।